वे मामा हैप्पी जर्नी मामा। क्यों यार पीछे कैसे मतलब कलर सा गिर रहा है नीचे। गुंडी विंडी पहुंच चुके हैं हम लोग। सबसे ज्यादा मिस मैं करूंगा अभिमन्यू को। फ्यूल स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर थे और हम लोग बस भगवान का नाम ले रहे थे कि वो वहाँ तक फ्यूल स्टेशन तक पहुँचा दे। आप इसके अंदर कॉइन डालो और आपको कॉन्डोम निकलेगा इसके अंदर से। है एनिमल रेपेलेंट, इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की मजेदार बात यही है, तुम 200 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं कुछ नहीं भाई, एक ही रोड फॉलो करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग रेडी हो चुके हैं ब्रिस्बेन टू पर्थ ट्रिप के लिए, जो कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रिप है। तो भाई सामान अपना पूरा सेट हो गया, पूरा बूट फुल है जैसा दिख ही रहा है आपको। मतलब एक भी चीज़ इसके अंदर अब आ नहीं सकती है। बाकी हमने कोशिश की है कि हम सब कुछ वो ले जो ट्रिप में हमें रिक्वायर्ड है। जैसे ये हमने रख लिया फ्यूल कैन, रख लिया अंदर साइड में मैंने रखा हुआ है कूलेंट इन केस ज़रूरत पड़ती है, लीक हो जाता है कूलेंट। और मैंने पंचर किट और एयर पंप भी रख रखा है, बेसिक ये है कार के लिए। बाकी सामान तो फुल है। खाने का सामान मैंने रखा है पीछे, ये जो बैग है ना इसके अंदर पूरा खाने का सामान है। इतना सामान है भाई, तुम हफ्ते की क्या 10 दिन 15 दिन इनफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम स्नैक्स ही खाते रहो, तो मैं कहूँगा नहीं। और इसके अलावा मैं दिखा दूँ मेरी गाड़ी की हालत, पूरी फुल है गाड़ी। मतलब थोड़ी बहुत टिल्ट हो सकती है सीट, बट उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर नाइट स्टे करना पड़ा और कहीं पे अगर हमें मोटेल नहीं मिलता है देन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। बाकी गाड़ी इन एंड आउट पूरी क्लीन है, चकाचक है लालपुरी निकलने के लिए। मेरी माता श्री और दीदी, हेलो। तो देखते हैं आप कब मिलना होगा इनसे, एक साल तो लग ही जाएगा मेरे को लगता है। पिताश्री मेरे, काफ़ी महीने बिता लिए अब ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग लकी होते हैं पेरेंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया में आ पाते हैं। अभिमन्यू सो रहा है इस वक्त, मैं उसको जगाऊंगा नहीं, बट मैं मिल चुका था सुबह, इसको पता लगेगा हम लोग जा चुके हैं। सुबह हो चुकी है बट उठने के बाद इसे पता लगेगा कि हम लोग जा चुके हैं, तो तब पूछेगा मामा मम्मी कहाँ गए। तो भाई सबसे ज़्यादा मिस मैं करूँगा अभिमन्यू को। माता की रोटी है, माँ के हाथ की रोटी फिर थोड़ी ना मिलेंगी। और है ना वहाँ सुपर चीप ऑटो से वो भी लेना है, वो मौलिक भाई का फोन आया था तो उन्होंने कहा है रास्ते में कंगारू मिलेंगे, तो कंगारू के लिए एक चीज है डिवाइस है वो हम गाड़ी पे लगा लेंगे तो कंगारू थोड़े दूर रहेंगे। मेरा तो कंसंट्रेशन पूरा रोड पे होना चाहिए, तो वीडियो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तेरे को दी है।
में ना सारे जो ये रूट है ना सब पे जैकेरेंडा फ्लावर्स, पूरा का पूरा ये रोड, ये पेड़ देखने में वैसे नहीं पहचान में आते मेरे को, लेकिन जब इनमें जब फूल आ जाते हैं ना इनमें, जब समझ आता है कि जैकेरेंडा फ्लावर। इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, देखते हैं कितना बचाता है। सही से प्रेस कर देना इसको। हाँ हाँ ठीक है, नहीं 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 ठीक है, उसको इस तरफ दे दे, मेरे को दे दे यार। ये क्या स्क्रैच लग गया भाई, पता नहीं यार, आता स्क्रैच नहीं थी मेरी कार में। कॉफ़ी ले ली है और पेट्रोल भरवा लिया है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि 100-150 किलोमीटर में पेट्रोल टैंक हमेशा फुल ही रहे। बाकी रास्ते में नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ गया, और रात को भी नींद आई नहीं ढंग से, जाने के चक्कर में दिमाग वैसे ही फैमिली से दूर जाता है तो वैसे ही ख़राब रहता है। स्नैक्स में हम लेके आए हुए हैं, ये क्या है, खारी बोलते हैं इसको, ज़ीरा खारी है, दो दो मंदे मेरे को। तो भाई सारा खंडवा होगी। एक गाड़ी फिर से साफ करनी पड़ जाएगी भाई। ये जैसे इंडिया में वो फैन नहीं था ना, हम लोग लेकर से यहाँ पे पेट्रोल पंप का बहुत बढ़िया सिस्टम है, मतलब आपको खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव होता है अंदर, तो वहाँ से आप गर्म कर सकते हो खाना, और कोई स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो भी आप पेट्रोल पंप से ले सकते हो, बिंदास एक नंबर, सारी चीज मिलती है यहाँ पे, दवाई से लेके स्नैक्स से लेके एवरीथिंग। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है गुंदीविंडी। जो गुंदीविंडी है ना वो क्वींसलैंड का हमारे लिए लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में न्यू साउथ वेल्स शुरू हो जाएगा। 200 किलोमीटर है, आई होप ये 200 किलोमीटर में कवर कर लूँ। अगर थक गया ना बीच में, अगर कुछ भी होता है तो मैं रुक जाऊँगा कैप्टन्स माउंटेन, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ से। मौसम एक नंबर का हो रहा है भाई, लेकिन खिड़कियां नहीं खोल सकते हम, हाईवे के ऊपर खिड़कियां खोलेंगे ना, वैसे भी अलाउड नहीं है, बट खिड़कियां खोलना सेफ भी नहीं है, पूरा एयर का प्रेशर बन जाएगा ना। और इसके अलावा कॉफ़ी पीने के बाद आ गई एनर्जी, अब मैं रुकूंगा सीधा गुंदीविंडी जाके रुकूंगा, वहां से फिर न्यू साउथ वेल्स के नज़ारे, तो वहां से हमारा टाइम जोन चेंज हो जाएगा, एक घंटा पीछे हो जाएगा आई गेस, हाँ, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं ना इंडिया, हाँ पीछे हो जाएगा क्वींसलैंड, हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे। और पर्थ में पता है क्या है, पर्थ में दो कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, 2 आवर्स का, तो इंडिया वालों के लिए सही हो जाता है, पर्थ से जो फोन करते हैं तो दिक्कत नहीं आती टाइम जोन। पहले भी आया था, कुछ काम था मेरे को और दिवेश्वर को, तो हम यहाँ तक, दिवेश्वर नहीं दिवेश, उसको और मेरे को काम था कुछ, यहाँ तक हम लोग आए थे। आगे से आगे 400-500 किलोमीटर और जाना था वैसे, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे फ्लड जोन था ये पूरा,
फ्लड आई हुई थी यहाँ न्यू साउथ वेल्स के अंदर, तो बीच में बैरिकेड लगा रखे थे उन्होंने, तो हमें वापस जाना पड़ा था। बट हमें उस काम का पे जरूर हुआ था, बट इतनी दूर था, इतनी दूर आ गए थे हम टूम्बा से। और मजेदार बात पता क्या हुई थी, रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया था और जो कार का जो दिखा रहा था जीरो तक दिखा दिया था, और हम फ्यूल स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर थे और हम लोग बस भगवान का नाम ले रहे थे कि वो वहां तक फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा दे, और बस पहुंच ही गए हम फ्यूल स्टेशन तक फाइनली। और वो फ्यूल स्टेशन भी बंद होने वाला था उस टाइम पे, और आखिरी में फिर हमने फ्यूल भरवाया और जैसे तैसे हम पहुंचे। चलो सही हो गया टाइम पे अपने भरवा के, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए फ्यूल हमें यहाँ पे ना फुल रखना पड़ता है, यू नेवर नो कि कौन सा फ्यूल स्टेशन बंद मिल जाए। अब हमें 135 किलोमीटर तक यही रोड रखना है। यही है भाई ऑस्ट्रेलिया के मजेदार बात, यही है। तुम 200 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं कुछ नहीं भाई, एक ही रोड फॉलो करो, टेंशन नहीं। और यहाँ गाड़ियां भी एक दो चल रही है, तो यही मजा है। गुंडी विंडी पहुंच चुके हैं हम लोग, और मतलब कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है। 200 किलोमीटर बैक टू बैक मैंने चलाया तो है, बट इतना ज़्यादा बार चलाया नहीं है। और अगर सोच लेते हैं ना तो 200 कुछ भी नहीं होता है, अभी भी मैं चाहूँ तो 200 और चला सकता हूँ, बट मैंने ओवरडू नहीं करना है मतलब। तो अभी हम जा रहे हैं सुपर चीप ऑटो, बिकॉज हाथों में पसीने आ रहे हैं, तो स्टीयरिंग जो है ना थोड़ी सी स्लिपरी हो गया स्टीयरिंग, तो अब लेके आऊंगा मैं स्टीयरिंग कवर जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे को चलाना। काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं ना, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं वो अब समझ में आती है। हम पहुंच गए हैं सुपर चीप ऑटो। सुपर चीप ऑटो ना यहाँ का एक नंबर का स्टोर है, मतलब यहाँ पे आपको कार की कोई भी एसेसरीज लेनी है ना तो आप सुपर चीप आ सकते हैं। कार से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, कैंपिंग से रिलेटेड चाहिए, कार का कोई पार्ट चाहिए, या एनीथिंग रिलेटेड टू कार, यू कैन गेट इट हियर। ये देख लो भाई ऑस्ट्रेलिया के ठाट, क्या सिस्टम दे रखा है इन्होंने। आप इसके अंदर कॉइन डालो और आपको कॉन्डोम मिल निकलेगा इसके अंदर से, मतलब आप स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, बट इन्होंने कॉइन का ऑप्शन दिया है जिसमें आप सिंगल सिंगल कॉइन से परचेज कर सकते हो।
क्यों यार पीछे कैसे मतलब कलर सा गिर रहा है नीचे? अरे ये बारिश होती है ना तो ऐसे ही दिखता है। ओ भाई ये नहीं देखा, ये तो जादू। मैंने इंडिया में भी देखा है ऐसे जादू सा है, जैसे कलर ऊपर से गिर रहे हैं होली वाले। ऑस्ट्रिच है ना भाई, लाइव देखो ऑस्ट्रिच, और कुछ नहीं देखेगा भाई, ऑस्ट्रिच और दो बच्चे, लाइव 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 टोटल लाइव, अमेजिंग। अरे यार क्यों डर रहे हो यार? हम ऐसा होटल किसी को जो जहाँ पे बंदा पहुंच ही ना पाए, अब तो भाई फुल रिफंड लेंगे इसका। और कुना बारा ब्रांड चलते हैं, वहाँ पे जाके करेंगे अब होटल बुक। बट भाई सबसे बड़ी गलती थी हमारी, सुहारा सफर और ये मौसम हसी, सुहारा सफर और ये मौसम हसी, डर है के खो न जाए कहीं, सुहारा सफर और ये मौसम हसी। थ्रस्टी फार्मर वालों ने तो फंसा ही दिया था आज, लेकिन फाइनली हमने दूसरा होटल बुक कर लिया है। रूम भी अच्छा ही है वैसे, नॉट बैड। बाकी सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन्होंने माइक्रोवेव दिया हुआ है, हॉट प्लेट्स दे रखी हैं इन्होंने, थोड़ा किचन एरिया बना रखा है यहाँ पे थोड़ा सा। और पीछे ये माइक्रोवेव है, ये ओवन है, और यहाँ पे टॉयलेट है इनका, और ये थोड़ा सा डाइनिंग एरिया भी दिया है इन्होंने। तो फ्रिज कहाँ है? फ्रिज, हाँ वो फ्रिज भी है, फ्रिज भूल गया। और ये हमारा बेड आ गया, हाँ ये हमारा बेड। तो और ये हो गया हमारा टीवी, और एसी भी है कि ऑल गुड है। कल हम निकल रहे हैं विल्कैनिया के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर का ही सफ़र है वो भी। और विल्कैनिया के बारे में मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।